अपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सीआरसी लखनऊ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आज आप सभी के बीच में एक अति महत्वपूर्ण विषय पर ऑनलाइन पटल के माध्यम से चर्चा पर चर्चा और विशेष रूप से डेली लिविंग स्किल्स प्रत्येक दिवस में दैनंदिन क्रियाओं की पूर्णता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, दैनंदिन गतिविधियों को कैसे अपने प्यारे विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बालकों बालिकाओं के अंतर्निहित भावों तक पहुंचाया जाए और उन्हें समाज के एक ऐसे सशक्त और समृद्धशाली व्यक्तित्व के रूप में तैयार किया जाए जो उनके अभिभावक के लिए, उनके अभिभावक हेतु और साथ ही साथ समुदाय और समाज से होते हुए राष्ट्र के लिए उपयोगिता का एक मापदंड तय करे। साथियों, समाज जो कि नैतिक गुणों को लेकर के हमारे आपके और हम सभी के द्वारा किए जाने वाले सार्थक प्रयासों की परिणति के उस भाव को आलंगित करते हुए अग्रमुख में चलता है जहां से समाज की एक ऐसी विचारधारा को बल मिलता है जिस पर चलकर हम और आप निश्चित ही भिन्नात्मक गतिविधियों की श्रृंखलाओं को प्राप्त करते हुए दैनिक जीवन जीने की योग्यताओं को धारित करते हैं। ऐसी स्थिति में अपने प्यारे बेटे और बेटियों को कैसे सुसंस्कृत किया जाए, कैसे सुसज्जित किया जाए और कैसे उन्हें सशक्त माध्यम में श्रेष्ठता प्रदान की जाए, इन सभी बिंदुओं को आलंगित करते हुए आज का यह टॉक सीरीज, यह लेक्चर सीरीज और यह अभिभावक के लिए वार्तालापित भाव अति महत्वपूर्ण है और हम सभी का सुअवसर है कि हमारे बीच आज के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मुख्य वक्ता के रूप में हमसे जुड़ चुकी हैं आदरणीय पूजा मैम, स्पेशल एजुकेटर डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ, अरणिया पंकज आर्या मैम, लेक्चरर सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में हमें अपना मानसिक आशीर्वचन प्रदान कर रही हैं आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र नई दिल्ली। एवं आज के कार्यक्रम में हमें अपना मानसिक आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं हमारे निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। प्यारे साथियों, कार्यक्रम की समय अवधि हो चुकी है और एक महत्वपूर्ण विषय पर एक महत्वपूर्ण वक्ता को सुनने, समझने और जानने का आज सुअवसर है, तो मैं आदरणीय पूजा मैम का इस पटल पर संपूर्ण सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से एवं हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ तथा सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पूजा मैम को कि मैम आप आए और आज के विषय पर हम सभी के बीच अपनी विषय विशेषज्ञता रखे। आदरणीय मैम, पूजा मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? माइक माइक म्यूट आ रहा है मैम। जी मैम, माइक अनम्यूट हो गया है।
मैम का जुड़ाव हम तक हो चुका है। प्रेजेंटेशन के क्रम में मैम की तरफ से पीपीटी प्रेजेंट की जा रही है। जी प्रेजेंटेशन आपकी आ रही मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। मैं पूजा स्पेशल एजुकेटर डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट से हूँ, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ लगभग 2009 से लगभग 13 साल हो गए इस विश्वविद्यालय में अपनी सर्विसेज देते हुए, और इस फील्ड में मुझे लगभग 16 ईयर्स हो चुके हैं दिव्यांगता के फील्ड में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग अ गाइड टॉक फॉर पेरेंट्स, तो सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि ADL होता क्या है। ADL आखिर है क्या? एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो हम अपनी दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं, जैसे कि खाना पीना, नहाना, कपड़े पहनना, चलना, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हम, जैसे सुबह उठते हैं तो बिस्तर अपना फोल्ड करना, ब्रशिंग करना, तैयार होना, अपने आप को स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट या जहाँ कहीं आपको काम करते हो उसके लिए रेडी होना, वहाँ जॉब करना, फिर कम बैक होना, फिर इस तरह की दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटीज हैं उसी को हम लोग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब ये जो टर्म है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, इसको सबसे पहले 1950 में सिडनी कैट जी ने प्रस्तुत किया था, यानी क्वाइंड किया था। उन्होंने सबसे पहले 1950 में इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग होता क्या है और ये है क्या और ये क्यों जरूरी है आखिर। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भी डेली लिविंग है, हमारे जो सामान्य बच्चे होते हैं जो हमारे घर में होते हैं, वो चीजों को देख करके अपने मम्मी पापा की कॉपी करके या भाई बहनों का कॉपी करके ज्यादातर मैक्सिमम चीजें वो सीख जाते हैं। ऐसे ब्रशिंग करना होता है, देख रहे होते हैं कि हाँ मेरी मम्मी ऐसे ब्रश करती है तो मुझे भी इसी तरीके से पेस्ट निकालना है, ब्रशिंग करना है, तो मैक्सिमम चीजें वो इमिटेट करके बच्चा सीख जाता है। बट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन के केस में ऐसा नहीं है। इस वजह से ADL को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया और इसके सिखाने पे भी लगभग हर दिव्यांगता पर फोकस किया गया कि नहीं, ADL इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ दिव्यांगजन। देखिए कई सारे एरियाज हैं ADL के, इसके लगभग 12 एरियाज हैं। सबसे पहला आपका है एम्बुलेटिंग। एम्बुलेटिंग होता है जैसे एक साधारण व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति आराम से एक कक्ष से दूसरे कक्ष में चला जा रहा है, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल कर सकता है, यानी ही कैन मूव इजली विदाउट एनी असिस्टेंट। बट इन केस ऑफ दिव्यांगजन इट इज नॉट लाइक दैट। अगर एम्बुलेटिंग यानी वॉकिंग से रिलेटेड हम देखेंगे कि अगर कोई विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट है या विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है, उसको आप देखोगे कि उनके मोबिलिटी में कितनी प्रॉब्लम होती है, उन्हें स्पेशली ओरिएंटेशन मोबिलिटी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाकर के वो चलना और इंडिपेंडेंटली चलना सीखते हैं। इन केस ऑफ डेफ ब्लाइंड ऑल्सो, जो डेफ ब्लाइंड के पर्सन होते हैं उनको भी मोबिलिटी में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो जो चीज हम जैसे लगता है कि नहीं चलने में भी क्या कोई सीखना है क्या, चलता तो अपने आप लोग सीख जाते हैं, बट इस तरीके जैसे सिचुएशन होते हैं खासकर दिव्यांग जन में, तो उनमें एम्बुलेटिंग के लिए यानी उनके प्रॉपर मोबिलिटी के लिए भी हमें उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड एरिया आपका फीडिंग है। इट मीन्स कि कैसे हमें खाना खाना है, कैसे चम्मच दाल और चावल मिक्स करके हाथ से कैसे खाना है, रोटी को कैसे तोड़ करके पहले सब्जी लगानी है, सैलेड को या चटनी को, कुछ भी हमारा सामग्री है उसको किस प्रकार से खाया जाए एक प्रॉपर मैनर जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। थर्ड एरिया आपका ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग मीन्स हाउ यू विल यू पुट ऑन ड्रेस, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस यू हैव टू वेयर, किस प्रकार से हमें ड्रेस को पहनना है, कैसे बटन लगाया जाएगा, कैसे प्रेस उसको पहना जाएगा, किस तरीके से सीधा और उल्टे की पहचान कर सकते हैं, तो ड्रेसिंग में ये सारी चीजें आती हैं।
फिर आपका फोर्थ एरिया है पर्सनल हाइजीन, इट मींस कि कैसे आप अपने आप को साफ स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे आप अपने नेल्स को क्लीन रख सकते हैं, हेयर्स को, बॉडी को और बाकी अदर पार्ट्स को क्लीननेस पे ध्यान दे सकते हैं या कैसे उसको किया जा सकता है। देन आपका है कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस द एबिलिटी टू कंट्रोल ब्लैडर और बाउल फंक्शन। जैसे सपोज कोई छोटा बच्चा है और वो आईडी का केस है, ओके, या ऑटिज्म का केस है, उसे टॉयलेट जाना है, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हो सकता है वो क्लास में छोटा बच्चा कर दे, तो इस तरह की जो कंट्रोलिंग सिचुएशन है ये भी हमें उन बच्चों को सिखाना होता है कि नो, आपको यहाँ पे वॉशरूम नहीं करना, आप प्रॉपर वॉशरूम में जाकर के जो भी इस तरह के काम है वो करना, आप कंट्रोल करना सीखिए थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर आपका टॉयलेटिंग, कैसे आपको वॉशरूम में जाना है, किस प्रकार से आपको बैठना है, कैसे आपको अपने पैर और हाथ को क्लीन करना है वॉशरूम के आने के बाद, ये कुछ 6 इसके मेजर एरियाज हो गए हैं। और नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन, इट मींस कि हाउ विल यू मूव, आप अपना व्हीकल, जो सपोज कोई व्हीकल यूज करते हैं तो उसको कैसे चलाएंगे, या आप प्राइवेट व्हीकल ले रहे हैं तो उसमें कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको पैसे देना है, किस प्रकार से आप अपने आप को मैनेज करते हो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वन इज आपका मैनेजिंग फाइनेंस, जैसे आप घर में हैं, आपको दूध का पे करना होता है, पेपर का बिल देना होता है, बिजली बिल होता है, या आप कहीं शॉपिंग है तो वहाँ का सामान का बिल का पेमेंट वगैरह करना होता है, इवन अपने बैंकिंग से रिलेटेड कि हाँ मुझे इतने पैसे बचाने हैं, इतना रखना है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए। आप देखेंगे कि कोई जो आईडी का केस हो गया या ऑटिज्म का, इवन वीआई के जो केसेस होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनको सिखाई जाती है, पैसे सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाता है कि किस प्रकार से पैसे को पहचाने, किस प्रकार से पैसे को देना है, कहाँ उनको सेफली अपने घर में रखना है, ये सारी चीजें मैनेजिंग फाइनेंस के अंतर्गत आती हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका शॉपिंग, सपोज आप किसी दुकान में गए, ठीक है, आप विजुअली चैलेंज हो, आपको पता नहीं चल रहा है, और उस मिठाई वगैरह की दुकान पे तो चलो स्मेल आया तो आपने पता कर लिया कि हाँ ये मिठाई की दुकान है। इनकेस अगर आपको बनिया का दुकान हो या कपड़े के दुकान में जाना है तो किस प्रकार से हम पहचानेंगे, और चलो कपड़े की दुकान में चले गए तो कौन सा मटेरियल मुझे कैसे रिकग्नाइज करना है कि हाँ मुझे अगर शर्ट लेनी है तो कौन सा टेक्सचर होना चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए, या ये सारी चीजें शॉपिंग के अंतर्गत सिखाई जाती है। फिर आपका मील प्रिपरेशन, अब जैसे आप घर पे सुबह से जैसे आप उठते हो तो सुबह गर्म पानी पीते हो या चाय पीते हो, उसके बाद फिर खाना बन आपका ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, फिर शाम में कुछ स्नैक्स वगैरह, और रात में आप डिनर करते हो, तो ये सारी जो चीजें हैं, चार बार जो आप इस तरीके का भोजन ग्रहण करते हैं, इन भोजन को कैसे बनाया जाए, कैसे उनको टेबल पर प्रस्तुत किया जाए, किस प्रकार से इस तरीके से प्रस्तुत करने के सोशली एक्सेप्टेबल हो, ये सारी चीजें मील प्रिपरेशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट वन इज हाउस क्लीनिंग एंड होम मेंटेनेंस, इट मींस कि हाउ विल यू क्लीन योर हाउस, हाउ विल यू क्लीन योर किचन, योर लिविंग एरियाज, स्टडी टेबल, और आपके वॉल हो गए, या आपके मतलब आपको ब्रूम झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, किस प्रकार से अपने व्हीकल्स को साफ सुथरा रखना है, ये सारी चीजें हाउस क्लीनिंग एंड होम मेंटेनेंस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग कम्युनिकेशन विथ अदर्स, इट मीन्स कि आजकल के इस तरीके के बोल सकते हैं जिसमें आधुनिक युग है, हम कई प्रकार के गैजेट्स यूज करते हैं बात करने के लिए, वी आर यूजिंग टेलीफोन, मोबाइल, टैबलेट्स, इवन लैपटॉप और कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेशन, तो इन सब चीज़ों को कैसे ऑपरेट करना है। जैसे आज ही के दिन मैं आपसे इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, तो आप में से हो सकता है कोई विद्यार्थी दृष्टि दिव्यांग हो या अन्य विकलांगता हो जिसमें इस तरह की समझने में और इसको फंक्शन करने में प्रॉब्लम आती हो, तो हम लोग मैनेजिंग कम्युनिकेशन विद अदर्स में इन सारी चीजों को डील करते हैं। लास्ट वन इज योर मैनेजिंग मेडिकेशंस, सपोज आप मेडिकेशन लेना है, मेडिसिन लेना है, सपोज आपको फीवर होता है तो कौन सी डोज कितनी लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई जाती हैं। हेयर वी हैव लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एडीएल एंड इट्स कंपोनेंट्स, कुछ एडीएल हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है जिनको सिखाना अति आवश्यक हो जाता है
किसी भी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को। तो सबसे पहला आपका कंपोनेंट है दैट इज ईटिंग, यानी खाना। तो खाना के कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे तो लगा खाना खाना बस एक सिंपल सी क्रिया है, नो, इट कंसिस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ स्मॉल स्टेप्स और स्मॉल स्मॉल प्रोसीजर्स। फर्स्ट वन इज होल्डिंग द फूड। सपोज आप खाना खा रहे हैं, आपको खाना पकड़ना कैसे है, किस प्रकार से हमें रोटी को पकड़ के अपने मुंह तक ले जाना है, दाल कैसे खाना है, सलाद कैसे खाना है, तो आपको होल्ड करना पकड़ना भी सीखना होगा। सेकेंड है ईटिंग फूड। अब जैसे हम चावल दाल को हाथ से मिक्स करते हैं तो कौन सी उंगलियों से किस प्रकार से मिक्स करना है, हाउ यू हैव टू कोऑर्डिनेट आवर फिंगर्स व्हाइल ईटिंग फूड। खाते समय हमें अपने उंगलियों को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उनके बीच में तालमेल रखना है, ये चीज हम इसके इसमें पढ़ते हैं जानते हैं। फिर आपका प्रॉपर पोस्चर, इट मीन्स की व्हाइल यू आर ईटिंग व्हाट शुड बी योर प्रॉपर पोस्चर, इट मीन्स की हाउ यू हैव टू सिट, किस प्रकार से आपको सही तरीके से बैठ करके खाना खाना है। मैनर्स एंड कस्टम। सपोज जैसे आप कोई दृष्टि दिव्यांग या अन्य दिव्यांग लोग किसी पार्टी में या फंक्शन में या इस तरह के स्मॉल गैदरिंग या सोशल गैदरिंग में इकट्ठा होते हैं तो उनको किस प्रकार से मैनर्स रखने हैं, खाते समय बार बार चम्मच और प्लेट का आवाज नहीं होना चाहिए, मुंह से ज्यादा आवाज नहीं निकाले, खाते समय ऐसा ना कि खा रहे हो आप सब आपके शर्ट और कपड़ों पे गिर रहा हो। तो कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, वो भी हमें खाने के दौरान परफॉर्म करना होता है। प्रॉपर यूज ऑफ यूटेंसिल्स, इट मीन्स कि जैसे आप खाना खा रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि चम्मच का क्या यूज है, एक कटोरे का क्या यूज है और ग्लास का क्या यूज है। ऐसा तो नहीं कि आप ग्लास में ही दाल भर रहे हो और चम्मच से आप रोटी ले रहे हो, नो, यू शुड नो इट कि हाँ हर एक बर्तन का अपना अपना यूटिलिटी है और इसको किस प्रकार से यूज करना है। एज ए ट्रेनर आपको कोई भी दिव्यांग व्यक्ति होता है उसको सिखाया जाता है। फिर आपका वॉशिंग यूटेंसिल्स, आफ्टर ईटिंग यू हैव टू वॉश योर यूटेंसिल्स, हाउ यू हैव टू वॉश, अगर कोई कांच का बर्तन है तो उसके किस प्रकार से हमें धोना है, कोई बड़ा बर्तन है उसे कैसे और कौन सा साबुन कितनी मात्रा में कैसे लगाना है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। सेकेंड कॉम्पोनेंट से हमारा टॉयलेटिंग। टॉयलेटिंग में सबसे पहले अप्रोप्रिएट लोकेशन, ओके, सपोज आप वॉशरूम में गए, आपको कहाँ पर बैठना है, किस जगह पे आपको वॉशरूम के लिए बैठना है, पोजिशनिंग यानी आपको किस प्रकार से बैठना है, खड़े हो गया आप जो भी पोजिशन हो उसको कैसे अक्वायर करना है। नेक्स्ट वन इज क्लीनिंग, आफ्टर डूइंग टॉयलेटिंग एक्सेट्रा आपको अपना हैंड वॉश या पैर किस प्रकार से धुलना है। और जब आप कॉमन टॉयलेट में जाते हो जैसे रेलवे स्टेशन पे गए, एयरपोर्ट पे गए या सुलभ शौचालय जो बाजार वगैरह या मार्केट में रहता है, वहां पे आपको किन सावधानियों के साथ वॉशरूम यूज करना है, ये भी इस ट्रेनिंग के अंतर्गत बताया जाता है। थर्ड है आपका ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में सबसे पहले अनबटनिंग, सपोज आपका कोई कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ बटन लगा हुआ है तो हाउ विल यू ओपन द बटन, तो आपको अनबटनिंग, कई तरह के बटन होते हैं, सभी तरह के बटन का खोलने के लिए सिखाना। फिर अनजिपिंग, जैसे आप जैकेट पहन रहे हैं तो पहले आप अनजिप करिए, उसको खोलिए, जिप लगा हुआ है तो ठीक है। अनटाइंग किसी चीज, जैसे आप शूज है उसको खोलना, अगर उसमें फीता लगा है तो फोल्ड करना, कपड़े किस प्रकार से हमें फोल्ड करना है। बटनिंग यानी हमें किस प्रकार से अपने शर्ट के या जो भी कुर्ता या जो कुछ भी पहना जिसमें बटन लगा है उसमें किस प्रकार से बटन लगेगा, कैसे उसका चेन लगेगा, कैसे उसे बांधा जाएगा, ये सारी चीज हम लोग ड्रेसिंग के अंतर्गत सीखते हैं। नेक्स्ट वन इज बॉडी हाइजीन, इट मींस कि हाउ विल यू कीप योर बॉडी हाइजीन। तो इसमें आप सबसे पहले जैसे आप नहाते हैं तो आपको कैसे पानी डालना है, ड्रॉइंग वाटर, अपने आप पर कैसे आपको पानी डालना है, मग का कैसे इस्तेमाल करना, बकेट का कैसे इस्तेमाल करना है, नहाते समय आप अपने हैंड्स को कैसे क्लीन करोगे, फेस को, बॉडी को किस प्रकार से क्लीन करना है, टीथ को, टंग को, ये सारी चीजें, इवन आपके नेल्स को कैसे क्लीन करना है, इस कंपोनेंट्स के अंतर्गत सिखाया जाता है। नेक्स्ट वन इज टेकिंग बाथ, व्हाइल यू टेक बाथ यू शुड नो कि पानी हमें कैसे अपने बॉडी के ऊपर डालना है, के किस प्रकार से हमें साबुन लगाना है, साबुन लगाने के बाद उसे कैसे रगड़ना है, कैसे उस साबुन को वॉश, मतलब बॉडी को वॉश करना है, किस प्रकार से आप संपूर्ण पूरे शरीर की साफ सफाई रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपने बाथरूम में अपने
टॉवल को या अदर जो क्लोथ्स है उसको कहाँ टांगा है, कौन सा क्लोथ्स कब पहले कौन सी पहननी है, बाद में कौन सी पहननी है, ये सारी चीजें इन द कंपोनेंट ऑफ टेकिंग बाथ वी शुड लर्न और वी शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू दिव्यांगजन. नेक्स्ट वन इज वॉशिंग क्लोथ्स. सपोज यू हैव टू वॉश योर क्लोथ्स, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ वॉशिंग? जैसे आप शर्ट धुलते हैं तो शर्ट को पहले गीली करते हैं, उसके बाद आपको पता है कि कॉलर के पास और पॉप के पास सबसे ज्यादा गंदा होता है, तो वहां आप साबुन ज्यादा रगड़ते हो, उसको हाथ से रगड़ने की या ब्रश से रगड़ने की कोशिश करते हो. तो ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि जैसे कपड़ा अगर धुल रहा है तो सबसे पहले आप पानी लीजिए, कितना पानी लेना है ये भी आपको कपड़े के अनुमान से लेना होगा, अनुपात के आधार पे. उसमें फिर सर्फ नमक मिलाइए, उसका झाग बनाइए, कितना सोप अप्लाई करना है या कितना सर्फ डालना है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है. उसका कैसे उसको रिंस करना है, निचोड़ना है, फिर उसको किस प्रकार से आपका जो तार वार वगैरह जो आपके घर में तो उसपे कैसे टांगना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है. फिर आपका हैंडलिंग मनी, आपका जो पैसा है, सबसे पहले तो हम उन दिव्यांगजन को बच्चों को सिखाते हैं कि पैसे की पहचान आप कैसे करें. ठीक है, पैसे की पहचान करना. अब अगर दृष्टि दिव्यांग बच्चा है तो आप देखोगे कि जो आपका 100 का 500 का नोट और 2000 के नोट्स होते हैं उनपे एक टेक्टाइल टेक्सचर बना होता है, तो वो टच करके भी आइडेंटिफाई करते हैं, या अपने हथेली पे रख करके उसके साइज का अनुमान लगाते हैं, उससे भी उनको पता चलता है. या जो बच्चे गैजेट्स वगैरह यूज करते हैं तो कई सारे ऐसे भी ऐप आ चुके हैं जो सीधे स्कैन करके बता देगा कि आपका इतने का नोट आपके सामने रखा है. ठीक है, देन आपका काउंटिंग, यू मस्ट नो, अगर आप पैसे रख रहे हैं तो आपको काउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए कि 100, 50, 200 या 2000 ये सब नोट है, किस प्रकार से हमें कितना काउंट करके देना है और कितना नहीं. यू शुड ऑल्सो नो कैरिंग मनी, अगर आप पैसे रख रहे हो तो पैसे को कैसे सेफली अपने पास रखना है जिससे वो गिरे ना और दूसरे चोरी भी ना कर सके. ओके, नेक्स्ट वन इज योर शॉपिंग. शॉपिंग जब आप जाते हो कहीं बाजार पे तो आपको कैसे जो हमें जो कपड़ा चाहिए या जो मटेरियल चाहिए, जो सामग्री चाहिए, उसका सिलेक्शन करना आपको पता होना चाहिए. ये नहीं कि आप किसी एक दुकान में गए सारा मटेरियल खरीदे, नो, यू शुड नो इट अप्रोप्रिएट मटेरियल, जो हमारे लिए उचित है, जो हमारे लिए उपयोगी है और जो सही मटेरियल है उसका सिलेक्शन करना सिखाना. देन है आपका गिविंग मनी. व्हेन यू सिलेक्ट योर मटेरियल्स यू हैव टू पे समथिंग फॉर समथिंग टू योर शॉपकीपर. तो कितना पैसा देना है, अब जैसे आपने 400 रुपए का सामान खरीदा, पकड़ा रहे हैं 2000 जबकि आपके पास 500 का नोट है नहीं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान देना होगा कि कितना मनी देना है, कितनी किस तरीके से देना है. ठीक, आप देने के बाद आपको चेंज भी उनसे लेना, अगर कुछ पैसे बच रहे हैं तो उनसे शॉपकीपर से चेंज लेना है, उसको काउंट करना, फिर आपको पर्स में रखना. इसके बाद जो भी आपने मटेरियल वहां से लिया उसको चेक करना कि जो मैंने परचेज किया है वो सारे आइटम्स हैं कि नहीं है. ठीक है, फिर आपका कि जो भी आर्टिकल्स या मटेरियल्स आपने परचेज किया हो, आपका जो कैरी बैग है उसमें किस प्रकार से, क्या जैसे सब्जी खरीदने गए आपने, टमाटर, आलू, प्याज, करेला, बैंगन, ये सब चीजें खरीदा, अब रखते समय आप टमाटर नीचे रख दें ऊपर से आलू प्याज रख दें, वो सही नहीं है क्योंकि वो दब सकता है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल को मुझे कहाँ, किस मटेरियल को मुझे अपने कैरी बैग में कैसे रखना है. नेक्स्ट इज यूजिंग इलेक्ट्रिकल्स. आजकल के इस आधुनिक युग में हर घर में इतने ज्यादा यंत्र या विद्युतीय यंत्र हो चुके हैं, जैसे कि आपका आयरन बॉक्स, आयरन जो आप प्रेस करते हो, इसको कैसे यूज करना है, पंखे को ऑन ऑफ कैसे करना है, रेगुलेटर उसका कैसे घुमाया जाएगा, कूलर कैसे ऑन होगा, ऑफ होगा, उसका स्पीड कैसे चेंज किया जाएगा, उसमें कितनी मात्रा में पानी भरना है, अगर एसी यूज करते हैं तो एसी को कितने टेम्परेचर पर रखना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसका मोड चेंज करें, कैसे उसके फैन के स्पीड को चेंज करें, अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन में कितना सर्फ डलेगा, कितने कपड़े उसमें डलेंगे, कितनी मात्रा में पानी डलेगा, ये सारा चीज इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है. आपका जो मोबाइल है वो कैसे यूज करना है, आपको उसको चार्जिंग पे कब लगाना है, कब आपको अनचार्ज, कब उसको हटाना है चार्जिंग से, या लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार से क्लीन रखना है, कैसे ऑन करना है, कैसे शट डाउन करना है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी. फिर आपका सेविंग. ओके, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं 18 प्लस जो बॉयज हो गए जिनके दाढ़ी वगैरह आने लगते हैं तो उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको
ब्लेड का यूज करना है, कैसे आपको रेजर का यूज करना है जिससे आप आपको चोट लगने से या कटने वगैरह से बचाएं और आपका पूरा क्लीन भी हो जाए, ठीक है। फिर आपका फूड प्रिपरेशन, इट मींस कि जब जो महिलाएं खास करके, वैसे तो सभी को काम करना चाहिए खाना वाना बनाने का, लेकिन फिर भी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, इट मींस कि अगर हम चावल बनाने जा रहे हैं तो कितना चावल लेंगे, कितना पानी लेंगे, कौन सा बर्तन होगा, किस पे चढ़ाना है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर कटिंग एंड प्रिपेयरिंग, सपोज यू आर मेकिंग वेजिटेबल्स, किसी चीज की सब्जी बना रहे हैं तो प्याज कैसे कटेगा, टमाटर कैसे कटेगा, अदरक लहसुन कैसे कटेगा, कितनी आंच पे, कितने हीट में हमको उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद है आपके किचन में जो भी गैस स्टोव है, हीटर है या इलेक्ट्रिक स्टोव है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसको हीट को एडजस्ट करना है, क्योंकि हर चीज तेज आंच पे या हर चीज बिल्कुल धीमी आंच पे नहीं बनती, सब में एडजस्टमेंट का कुछ ना कुछ सिस्टम होता है जो हमें करना होता है। फिर आप जो भी आपके कुकिंग यूटेंसिल्स आपके घर में किचन में है उसको किस प्रकार से हैंडलिंग करना है, यानी कौन से यूटेंसिल्स किस पर्पज से यूज होगा और कितना डेलिकेट आइटम है उसको किस प्रकार से हमें रखाव करना है। देन आप सर्विंग फूड, खाना बना लिया, अब आपको टेबल पे या मैट या चटाई पे जहां भी बैठ के खा रहे हो तो किस प्रकार से हमें खाना को परोसना है। कहा जाता है कि व्यंजन तो आप 32 प्रकार के बना दें और सब किसी थाली में लेके ऐसे ही भर दें, चाहे आप जितना टेस्टी बनाओ या चाहे जितने भी प्रकार के व्यंजन हो, फिर भी वो देखने में जब अच्छा नहीं लगेगा तो खाने की भी इच्छा नहीं होती। तो सर्विंग भी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी चीज होती है कि किस प्रकार, कई लोग चावल दाल रोटी सिंपल खाना ही बनाते, इतने अच्छे से सर्व करते हैं कि खाने वाला खुश हो जाता है। फिर आपका क्लीनिंग अप, कि हाउ यू हैव टू क्लीन, अब आपने खाना बना लिया, अब किचन साफ करना है, बर्तन साफ करना है, किस प्रकार से साफ करना है, गैस को या जो भी हीटर या स्टोव यूज कर रहे हैं उसको क्लीन करना है। आपका क्लीनिंग प्लेस है, इट मीन्स कि आप अपने झाड़ू कैसे यूज करेंगे। कई लोग आप देखे होंगे कि ज्यादातर घर में जो काम वाली आती है बिल्कुल स्ट्रेट झाड़ू लेकर के ऐसे ऐसे सफाई कर देते हैं, प्रॉपर यूज कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी बच्चों को देनी चाहिए। मॉपिंग यानी पोछा किस प्रकार से लगाना है, छोटा कमरा है तो पोछा किस चीज से लगे, बड़ा कमरा में किस प्रकार से मॉपिंग करना है, ये सारी चीजें सिखानी है। टोटल क्लीनिंग इट मीन्स कि डस्टिंग वगैरह, कोई भी आइटम आपके घर पे शोपीस है या टीवी है, ऐसे की चीजें हैं उनको किस प्रकार से क्लीन रखना है। ओके, देन आपका मेडिसिन, हाउ यू हैव टू यूज योर मेडिसिन, यू मस्ट नो कि कौन सा मेडिसिन क्या है, इसको कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और किस प्रकार से खाना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जितने भी एडियल के कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अब है कि कॉजेज फॉर लिमिटेशन इन एडियल, हम क्यों आखिर एडियल की बात कर रहे हैं, है ना, हम क्यों एडियल सिखाने या ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एडियल में कुछ चुनौतियां होंगी, कुछ लिमिटेशंस हुए होंगे ना किसी कारण बस, इस वजह से। अब जैसे सिंपल साधारण व्यक्ति को हम एडियल नहीं सिखाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो चीजों को सीख जाता है, बट जिनके लिए लिमिटेशंस हैं और ये एडियल में उनके जो लिमिटेशंस हुए किन कारणों से हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका एजिंग। जब आपकी एज बढ़ती चली जाती है, आप 60+ 70+ हो जाते हैं, 80+ हो जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है डेली लिविंग के जो आप खुद नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक सहायक की जरूरत होती है। ओके, देन आपका फिजिकल इम्पेयरमेंट, जब आपकी कोई शारीरिक क्षति होती है, ओके, जैसे कि आप OH का केस है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, या सेरिब्रल पॉलिसी में जिसमें आपके लिम्स काम नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के जो एडियल होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, वो सारे एडियल आपने खुद नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। इन केस ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट ऑल्सो, सेंसरी इम्पेयरमेंट जैसे आपका VI का केस हो गया, विजुअली इम्पेयर, हेयरिंग इम्पेयर, टेप ब्लाइंड, तो ये जो कैटेगरीज हैं इनका आप देखोगे कि जैसे कहा जाता है कि जो जिसके आईज डी होते हैं या दृष्टि दिव्यांग होते हैं उनको अपने एडियल को परफॉर्म करने में, या डेफ ब्लाइंड होते हैं उनको अपने एडियल को परफॉर्म करने में काफी चैलेंजेस आते हैं, ये सच भी है, क्योंकि हम मैक्सिमम 85-90% जो नॉलेज होता है वो हम अपने आईज के द्वारा अक्वायर करते हैं। तो इफ वी डोंट हैव आवर आईज और हमारा विजन नहीं रहेगा तो जो लिमिटेशन है ना 85-90% जो नॉलेज अक्वायर करने का लिमिटेशन है वो हमारे एडियल पे भी इम्पैक्ट डालता है।
बट अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो शायद ही कोई ऐसी एक्टिविटीज है एडीएल के अंतर्गत जो एक सेंसरी इम्पेयर्ड व्यक्ति भी न कर सके। ओके, फिर आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसे जो ऑटिस्टिक के केसेस हो गए, आपके लर्निंग डिसेबल्ड के केसेस हो गए, बौद्धिक अक्षमता वाले केसेस हो गए, इनको भी कई सारे बैरियर्स आते हैं अपने सिंपल जो दैनिक क्रियाएं हैं उसको करने में भी। ओके, देन हॉस्पिटलाइजेशन, सपोज आप बहुत इंजर्ड हो गए, आप एक्सीडेंट हो गया है या इस प्रकार की बीमारी हो गई है कि आप अपने छोटे छोटे एक्टिविटीज भी खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में भी एडीएल के लिए उनको कोई असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। और सिमिलरली इन द केस ऑफ इलनेस ऑल्सो, यहाँ हम लोगों ने देखा कि एडीएल का जो कारण है, उनके लिमिटेशंस के जो कारण है, ये कुछ छह कारण है: एजिंग, फिजिकल इम्पेयरमेंट, सेंसरी इम्पेयरमेंट, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हॉस्पिटलाइजेशन एंड इलनेस। नाउ वी कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ एडीएल। आखिर एडीएल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम एडीएल की ट्रेनिंग की बात करते हैं, क्यों हम इसको इतना ज्यादा फोकस करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि एडीएल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग पार्ट ऑफ मोस्ट इन केस ऑफ दृष्टि दिव्यांगजन एंड अदर दिव्यांगजन ऑल्सो, बिकॉज इट हेल्प्स टू मेक देम इंडिपेंडेंट। अगर कोई बालक या कोई व्यक्ति दिव्यांग है और वो अपना कार्य, दैनिक कार्य खुद नहीं कर पाता है, तो अपने परिवार, अपने समाज पर बोझ होता है और उसको लोग बोझ समझते भी हैं, तो उस बोझ को कम करने के लिए अगर वो अपनी दैनिक क्रियाएं खुद कर लेगा, खुद इंडिपेंडेंटली कर लेगा, तो उसको खुद भी अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है। सपोज अब जैसे मोबिलिटी है, मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे इस कक्ष से दूसरे कक्ष में जाना है, मुझे उसके लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ रही है। एक समय आया जब मैं खुद मोबाइल कर रही हूँ, खुद जैसे उधर कहीं भी चली जा रही हूँ, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, बच्चे एक्टिव रहेंगे, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अगर अपना कार्य खुद कर सकता है तो एक्टिव रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। फॉर मेंटेनिंग गुड क्वालिटी लाइफ, अगर आपको अच्छा जीवन या गुणवत्तापूर्वक जीवन व्यतीत करना है, तो उसके लिए आपको एडीएल सीखना आवश्यक है। खुद के देखरेख के लिए भी, अपने स्वयं की देखरेख के लिए भी एडीएल इम्पॉर्टेंट होता है। और फॉर एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, अगर कोई व्यक्ति खुद का कार्य ही न कर सके, तो न तो उसे परिवार में एक्सेप्ट करते हैं, जब परिवार में नहीं एक्सेप्ट करते तो सोसाइटी क्या एक्सेप्ट करेगी। तो इफ यू वांट टू एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, यू हैव टू परफॉर्म योर एडीएल फॉर रिकॉग्निशन इन सोसाइटी ऑल्सो एंड टू बिकम अ फ्रूटफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। अगर आप अपना काम खुद कर लेंगे, मैक्सिमम काम, तो आप ढंग से आप पढ़ाई भी कर लेंगे, कहीं आ जा सकेंगे, आप अच्छी जॉब पा सकते हैं, एक आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो समाज में कुछ अपना योगदान भी कर सकते हैं, और आप अपने जो जीवन है उसको और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो भी जैसे आप काम कर रहे हो, जो एडीएल दिव्यांग व्यक्तियों को नहीं सिखाया जाता है, तो देखते हैं कई बच्चे जो दृष्टि दिव्यांग है, उनका चलने का तरीका ऐसा होता है कि लोग कई बार हंसते हुए कैसे चल रहा है, इसमें उसकी गलती नहीं है, उनको सिखाया नहीं गया उस ट्रेनिंग के लिए, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, कभी आंख में उंगली डाल रहा है, कभी सर हिला रहा है, तो टू परफॉर्म देयर टास्क इन एक्सेप्टेबल मैनर, एक्सेप्टेबल यानी जो जनरल पीपल उस चीज को एक्सेप्ट करता हो, उस तरीके से उस चीज को सिखाना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एडीएल की ट्रेनिंग देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता होगा कि किस विद्यार्थी को या किस दिव्यांग को, किस व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति को कितना एडीएल वो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, और ये आखिर ये मेजरमेंट के, या हमें इसे जानने की क्यों जरूरत पड़ी, वो कितना कर पाएगा कितना नहीं कर पाएगा। तो आप ये फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज इम्पॉर्टेंट टू हेल्प डिफाइन एंड इंश्योर अप्रोप्रिएट केयर सपोर्ट। सपोज कोई बच्चा है, वो खुद से ब्रशिंग कर ले रहा है, तो जबरदस्ती हम उसको दोबारा ब्रशिंग सिखाएं, ये कोई तुक नहीं बैठता है, इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हमें पता होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट केयर सपोर्ट, इट मीन्स कि किस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी सहायता की जरूरत है और किस पर्टिकुलर एक्टिविटी में सहायता की आवश्यकता है। नेक्स्ट वन इज सपोज जैसे आपने, आपको पता हो गया कि हाँ इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये वाली एडीएल, वो इस एरियाज के जो एडीएल है
उसमें उसको दिक्कत हो रही है, तो इससे जो उसका सिखाने वाला जो एक्सपर्ट होता है उसको भी एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि हाँ मुझे इस चीज की ट्रेनिंग इसको देनी है। फिर होता है कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे खाना ही खा रहे हो, तो आप ईटिंग करते समय क्या आप होल्डिंग ठीक से कर पा रहे हो, मिक्सिंग कर पा रहे हो कि नहीं, कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हो नहीं, तो इससे की चीजें होगी। जैसे हमें पता चल जाए कि हाँ फेज वन में वो मिक्स तो कर लेता है बट वो प्रॉपर उठा करके मुंह में नहीं डाल पा रहा है, तो हमें पता चल गया कि हाँ इस जगह पे उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसी जगह पर सिखाने की उसको कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे। और जब हमें किसी भी एक बात फैक्ट है कि जब हमें कहीं भी और किसी भी चीज के बारे में पता होता है कि हाँ यहाँ पर ये समस्या है, तो समस्या के निदान का प्लानिंग और इंटरवेनिंग करना इजी हो जाता है। लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि समस्या है क्या, तो हम अपने प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करें हमें ये खुद नहीं मालूम होगा। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एडीएल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। कुछ हमारे ऐसे चेकलिस्ट डिजाइन किए गए हैं जो स्टैंडर्ड चेकलिस्ट हैं, जो बेसिकली आपके एडीएल के जो परफॉर्मेंस है उस पर बेस्ड है। एक है आपका कैड्स इंडेक्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, और सेकेंड वन इज द लॉन्टर्न इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग स्केल। तो ये जो दो स्केल हैं जिसके अंतर्गत कई सारे चेकलिस्ट हैं, उसमें टैली किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और उस पर चेक मार्क लगाया जाता है। इन दोनों को इम्प्लीमेंट करके बहुत हद तक हम दिव्यांग या बच्चे विद्यार्थी का या बच्चे का या व्यक्ति का पता कर सकते हैं कि उसको किस एरिया के किस कंपोनेंट्स में दिक्कत है और किस कंपोनेंट्स में हमें फोकस करना है। बिसाइड्स दिस, अगर आपके पास ये दो चेकलिस्ट नहीं भी है, इसके बावजूद भी जो उसका पढ़ाने वाला शिक्षक है या उसका जो केयर टेकर है या जो थेरेपिस्ट है या जो उसके पेरेंट्स हैं या जो उसके घर पे अभिभावक रह रहे हैं, वो भी एक आइडिया बता दे सकते हैं कि हाँ ये कार्य कर लेता है, ये कार्य नहीं कर पाता, इस कार्य में उसका अभ्यास की आवश्यकता है, ये कार्य निपुणता पूर्वक कर लेता है। तो ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के माध्यम से भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ एडीएलएस। अब हमें किस प्रकार से दिव्यांग बच्चों को, विद्यार्थियों को या व्यक्तियों को ट्रेनिंग देनी है, इसकी क्या प्रक्रिया है और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एज ऑफ द चाइल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि जिसको हम सिखाने जा रहे हैं वो कितना बड़ा है, 5 साल का है, 6 साल का है, 15 साल का है या 20 साल का है या 2 साल का है, क्योंकि हर एक एज ग्रुप के लिए अपना एक फिक्स्ड रहता है कि हाँ अगर 4 साल का बच्चा है तो 4 साल में सामान्य बच्चा ये कार्य कर लेता है, तो हमें उन्हीं कार्यों को फोकस करना है कि हाँ अप टू द एज ऑफ 4 हमें ये चीज सिखाना है। तो एज जानना किसी भी दिव्यांग के लिए, उसका पर्टिकुलर क्या एज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी ट्रेनर उसको सिखाने जा रहा हो। फिर आपका डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल स्किल एज पर द नीड। अगर कोई आईडी बच्चा है, कोई बीआई है, कोई एचआई है, कोई डेवलाइंड है, वेरियस ऑफ कैटेगरीज वी हैव इन दिव्यांगजन, तो किस प्रकार के कैटेगरीज को, किस प्रकार के दिव्यांगता को, उसके जो विशिष्ट कौशल होते हैं उसका कैसे विकास किया जाए, उस पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, सबका अपना सीखने का तरीका अलग होता है, सबके अपने कमजोरियां अलग होती हैं, ताकतें अलग होती हैं, किसी चीजें की हमें जिनको सिखाने जा रहे हैं उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उसके स्ट्रेंथ को यूज करके उसके वीकनेसेस को कम कर सके, यानी उसके जो बल है या जिस चीज को वो अच्छा कर सकता है उस चीज को इस्तेमाल करते हुए, जिस चीज में वो लोअर परफॉर्मर है या उस चीज को ढंग से नहीं कर पाता उसको यूज करते हुए उसको बैलेंस बनाना है। फिर यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड, जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, सबके लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं, सबको समझने का तरीका अपना डिफरेंट होता है, कोई किसी चीज को जल्दी स्ट्राइक करता है, कोई सीख करके, कोई देख करके, तो कोई खुद से करके सीखता है, सबका अपने क्षमता होती है, सबकी अपनी कैलिबर होती है, गति होती है कि हाँ इस माध्यम से सीखता है, ये सब चीज एज ए ट्रेनर यू शुड नो। फिर आपका जो भी विद्यार्थी या जो भी दिव्यांग व्यक्ति जिसको आप सिखा रहे हो उसका कैसा फैमिली बैकग्राउंड है आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज आप कोई गरीब दिव्यांग व्यक्ति है,
आपके घर में एसी वगैरह नहीं है और आप उसको जबरदस्ती एसी चलाने की ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, तो ये सब चीज आपको ध्यान देने होंगी कि कैसा उसका सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है और किस प्रकार से, कि सपोज आपने यहाँ उसको एसी ऑपरेट करना सिखाया और घर में कभी उसने एसी देखा ही नहीं है, तो फिर वो जब अभ्यास नहीं होगा तो उस चीज को भूल जाएगा। और हर एक टास्क को या जो भी एक्टिविटीज आप सिखा रहे हैं उसका परस्पर मूल्यांकन अति आवश्यक होता है। हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भी हम कार्य या एक्टिविटी सिखाए हैं कितने हद तक विद्यार्थी सीख चुका है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। और जब कभी भी आप एज ए ट्रेनर आप इस तरह की ट्रेनिंग बच्चे को दे रहे हो तो आप प्रॉपर उनको फीडबैक दीजिए, ओके, उनको आप समझाइए, उनको प्रॉपर आप रीइन्फोर्समेंट करो कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, आपको हतोत्साहित नहीं करना है, आपको हमेशा उनको प्रोत्साहित करना है और पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देने की कोशिश करिए। और जब भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंटरवल टाइम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक दिन में आपने 10 टास्क एक ही घंटे में सिखा देना है, नो, यू शुड मैनेज योर टाइम कि हाँ इस कार्य को कराने के बाद मुझे बच्चे को इतना रेस्ट देना है, ठीक है। और जो भी एक्टिविटी हम सिखा रहे हैं उसका एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, अदरवाइज जो आप सिखाओगे वो नेक्स्ट डे भूल सकता है। द प्रैक्टिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। एंड लास्ट वन इज प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ब्रशिंग सिखा रहा हूँ तो इतना टाइम लगेगा, अगर मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा विद्यार्थी कैसा है, मैंने उसको असेस कर लिया है, उसको अगर वॉशिंग सिखा रहे हैं तो इतना टाइम लगेगा, तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। नाउ वी हैव गाइडलाइंस टू फॉलो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑफ एडीएल। जब हम ट्रेनिंग दे रहे होंगे एडीएल की तो हमें किन किन चीजों पे कुछ दिशा निर्देश उनको मालूम होना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज यूज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आप उन बच्चों को सिखा रहे हो कोई भी एक्टिविटी तो उसमें आप मैक्सिमम रियल ऑब्जेक्ट्स प्रयोग करने का कोशिश करें, डमी या उसका मॉडल यूज ना करें। हो सकता है कुछ ऐसे एक्टिविटी है जिसमें हम रियल ऑब्जेक्ट्स प्रस्तुत ना कर सकें, बट वी शुड यूज, हमें मैक्सिमम यही कोशिश करना चाहिए कि जो भी रियल ऑब्जेक्ट उस एक्टिविटी के लिए चाहिए हम उसी का उपयोग करें। देन आपका जो भी आप एक्टिविटी सिखा रहे हो उसमें जैसे हमको ब्रशिंग सिखाना है तो हमारे पास पानी, ब्रश, पेस्ट, ये तीनों आइटम होना चाहिए, टंग क्लीनर, ठीक है। तो जो भी रेलिवेंट मटेरियल है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का उसे अपने पास रखना है और बच्चों को उनसे अवगत कराना है। देन वी हैव टू फॉलो टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस यानी जैसे आप ब्रशिंग ही सिखा रहे हैं तो ब्रशिंग में आप ये नहीं बोलोगे कि चलो पेस्ट लो ब्रश में लगाओ और दांत पे रख लो, नो। टास्क एनालिसिस का अर्थ है सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड में ट्यूब को पकड़िए, टूथपेस्ट ट्यूब को, फिर उसके ढक्कन को एंटी क्लॉक वाइज घुमाइए, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप होगा कि ढक्कन को एक प्रॉपर जगह पे रखिए, फिर चौथा स्टेप हो जाएगा कि आप अपने राइट हैंड में ब्रश को पकड़िए, ब्रशेस का पार्ट ऊपर रहेगा, उस पर जेंटल प्रेशर के साथ आपको पेस्ट लगाना है। यानी एक क्रिया को करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट के हमको सिखाना है, उसी को हम लोग टास्क एनालिसिस करते हैं कहते हैं, ओके। आपको जब कभी भी इस तरह की एक्टिविटी सिखा रहे हैं तो बहुत साधारण नियम का प्रयोग करिए, यानी कि आप इतना जटिल बना दें कि सिंपल चीज भी उनके लिए क्लमजी हो जाए, बहुत टफ लगने लगे, नो। यू हैव टू फॉलो सिंपल रूल्स व्हाइल यू गिव ट्रेनिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू एडीएल। और वन थिंग मोर कि जब हम एक्टिविटी सिखा रहे हो तो जो भी हम मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उस मटेरियल्स का जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, यानी इस मटेरियल के बारे में जितनी जानकारी बच्चे को देना चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड कराएंगे। टंग क्लीनर अगर यूज करते हैं तो टंग क्लीनर का काम ये है, टंग क्लीनर हमारा इससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है या स्टील का बना हुआ है, तो इस तरह के जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो भी आप मटेरियल यूज करते हैं उसके बारे में आपको अपने विद्यार्थी को बताना होगा। और जब कभी भी हम एक्टिविटी का ट्रेनिंग देंगे तो हमें सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना है। सपोज आप कटिंग सिखा रहे हैं, आलू छिलना ही सिखा रहे हो, तो आपको उसके नाइफ से
कटने की संभावना है, तो आपको सेफ्टी के जो रूल्स होते हैं उन्हें आप एक्टिविटी कराने से पहले बता दीजिएगा, ताकि उस तरह से किसी भी प्रकार का चोट न लगे। और जब कभी भी हम ट्रेनिंग सिखाते हैं तो एक शिष्य और जो शिक्षक होते हैं उनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है बहुत पॉजिटिव सकारात्मक होना चाहिए और एक फ्रेंडली एटमोसफेयर होना चाहिए। इस तरीके का ना एटमोसफेयर हो कि बच्चा आपसे कुछ बोलने में ही हेजिटेट कर रहा हो या डर रहा हो, उस प्रकार का एनवायरनमेंट में आप इस प्रकार की एक्टिविटीज नहीं सिखा सकते। तो वी मस्ट क्रिएट फ्रेंडली एटमोसफेयर ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, फिर आपका कि जब कभी भी हम कुछ एक्टिविटी सिखा रहे हैं तो किसी भी एक्टिविटी को कराते समय पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि हाँ उसको सजेशंस देना चाहिए तो आप उनको सजेशन दें, ये नहीं कि छोड़ो अपने आप सीख लेगा, ऐसा एटीट्यूड नहीं अपनाना है। वी हैव टू प्रोवाइड सजेशंस एज पर द नीड, और अच्छा अगर टास्क करता है तो आप उसको प्रोत्साहित करें, उसको अच्छा फीडबैक दें, वाह आज आपने बहुत अच्छा किया, इस तरीके के वर्ड्स को आपको यूज करना है। कुछ हमारे पास यहाँ पे टिप्स हैं जो पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि ये हमारा मेनली पेरेंट्स टॉक ही था। तो कई बार ऐसा होता है कि जिन घरों में, या मैक्सिमम कह सकते हैं कि जिन घरों में दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है, तो उस घर का जो माहौल होता है उसमें पेरेंट्स की जो अपने आप को एडजस्ट करने का होता है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पहले तो उस चीज़ को पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, डिनाइल फेज में रहते हैं, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव बना देता है, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। नो, हमें बैलेंस बना के चलना है। जब कभी भी आपके घर में कोई भी दिव्यांग बच्चा जन्म लेगा तो आपको उन पे विश्वास रखना है। यू हैव टू मेक फेथ ऑन योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे पे अगर विश्वास नहीं होगा तो उसको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, तो आपको उन पे विश्वास कायम रखना है कि नहीं मेरा बच्चा है, अच्छा कर सकता है और अच्छा है। कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करिए कि नो तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तुम विकलांग हो तो ये नहीं कर पाओगे, तुम चलोगे कैसे, तुम खाओगे कैसे, तुम पढ़ोगे कैसे। तो इस तरीके का क्रिटिसिज्म कभी भी एज ए पेरेंट्स भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया तो लाइफ में कभी भी स्टैंड नहीं कर पाएगा, चाहे उसे ना बढ़िया उसको ट्रेनिंग दी जाए फिर भी। तो पेरेंट्स को बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। डोंट कर्स योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा दिव्यांग पैदा होता है तो अपने आप को कोसो नहीं कि मैंने कुछ किया होगा या क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, या अपने बच्चे को मत कोसिए कि कहाँ से आ गया, कैसे कैसे करे, क्या करे, इस तरह की चीजें। हालांकि बोलना बहुत आसान है, बट स्टिल एज ए पेरेंट्स अगर आपने इस तरह की एटीट्यूड को डेवलप कर लिया तो आपको खुद को और बच्चे को दोनों को संभालने में बहुत दिक्कत होगी। तो आपको अपने बच्चे को कर्ज नहीं करना है, ना अपने आप को करना है, ना अपने बच्चे पे। हमेशा सकारात्मक रवैया रखिए, नो अब जो हो गया जो आया है इसी को लेकर के मुझे अच्छा करना है। पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एटमोसफेयर अगर आप घर पे रखोगे तो वो कई देखे होंगे, जैसे आपने हिमानी बुंदेला का देखा होगा जो हमारी यूनिवर्सिटी से डीएड करके गई थी, ब्लाइंड होते हुए भी उसने केबीसी में सबसे लास्ट क्वेश्चन तक उसने अटेम्प्ट किया और अच्छा खासा पैसा कमाया और आज भी उसके कई सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। अगर उसके घर पे एटमोसफेयर होता है उसको श्रापित देते या उसको क्रिटिसाइज करते होते शायद वो लड़की आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। तो उन्होंने अपने घर पे अच्छा वातावरण पाया, जहाँ पढ़ा वहाँ अच्छा वातावरण पाया, वो सारी चीजें एक बच्चे के पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालती है। तो पेरेंट्स को तो काफी केयरफुल रहना चाहिए इन सब चीजों के लिए। गो फॉर अर्ली इंटरवेंशन। अगर आपको पता चल गया कि हाँ मेरा बच्चा इस प्रकार के दिव्यांगता से ग्रसित है, थोड़ा बहुत भी समस्या का आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आपको इसमें डिले नहीं करना है, तुरंत जाइए आप किसी स्कूल में या आप अपने आसपास के किसी सर्विस सेंटर पे, मेडिकल हेल्थ सेंटर पे, इस तरह के सेंटर पे जाकर के कोशिश करिए कि जो चैलेंजेस या जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत इंटरवीन की जाए। अगर डिले करेंगे इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू एंड योर एंड फॉर योर चाइल्ड ऑल्सो। और विद्यार्थी को, दिव्यांग विद्यार्थी को प्रॉपर स्कूलिंग दीजिए, उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ाइए लिखाइए, ताकि वो भी एक अच्छा व्यक्तित्व बन करके समाज में उभरे। और अपने
और एज ए टीच आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है अपने बच्चे को, गुस्सा वाला बच्चा अगर सामान्य और तीसरा दिव्यांग है, नो, आपको डिस्क्रिमिनेट अंतर नहीं करना है अपने बच्चों में, आपके लिए तीनों ही या दो ही बच्चे एक समान है, और वो जिस कंडीशन में है उसको आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, ओके। अब जो एच आई बच्चा, आप नहीं बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा तो सुनने वाला ही बन जाए, हाँ कोशिश करिए मेडिकली उसको ठीक करने की कोशिश करवाइए अपने डॉक्टर्स वगैरह से, बट अगर वहाँ भी डॉक्टर्स ने बोल नो अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसका हियरिंग इतना ही तक रहेगा, तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना है, डिनाई नहीं करना है, ठीक है। और आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी आपके घर में दिव्यांग बच्चा है उसको अपना कार्य खुद करने के लिए प्रोत्साहित करें, हमेशा उसको जैसे कफ्यू उठाना तो आप जाके पहले उठा करके उसको दे दो हाथ में, नहीं, आपको धीरे धीरे सिखाना है उसको एक एक एक्टिविटी अपने घर पे खुद करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना है। और जब कभी भी आपको लगता है कि नहीं इस कार्य को सिखाने के लिए किसी प्रकार के असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी या पड़ेगा, तो आपको उस प्रकार के डिवाइसेस अगर संभव है तो आप अपने बच्चे के लिए ला करके दें, और हमेशा एक अच्छा संवाद रखें अपने ट्रेनर के बीच में या जो भी आपका थेरेपिस्ट है उसके बीच में या टीचर के बीच में, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका बच्चा कितना सीख रहा है और कौन कौन सी चीज है जो मुझे घर पे अपने बच्चे के लिए करना है। अगर थेरेपिस्ट है, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है जिसने आपके बच्चे के लिए फिंगर डेक्सटेरिटी के लिए कुछ एक्सरसाइज बताया है, तो थेरेपिस्ट तो वहाँ 1 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा चलो देगा, लेकिन बच्चा जो आपके साथ 10-12 घंटा रह रहा है तो आप भी उस चीज को सीखिए और उनसे प्रॉपर टाई अप करिए, ताकि आप अपने बच्चे को ढंग से थेरेपी या ट्रेनिंग जो भी उस तरह की चीजें खुद घर पे भी दे सकें। और जो भी इस तरीके का थेरेपी या ट्रेनिंग या टीचर ने कुछ सजेशंस वगैरह दिया है उसे कोशिश करिए घर पे फॉलो करने के लिए, ताकि आप अपने बच्चे के साथ अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उससे वो बच्चा कुछ सीखे। अब हमारे पास कुछ सजेशंस हैं जो हमें एडीएल सिखाने के दौरान थोड़ा बहुत इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा एज ए ट्रेनर। तो फर्स्ट इज ट्रेनिंग शुड मस्ट बी एज पर देयर एज। हमेशा आप कोशिश करोगे कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को अगर आप एडीएल की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसके ग्रेड लेवल के अकॉर्डिंग हो। कभी भी हम ये ना कोशिश करें कि 6 साल के बच्चे को 12 साल के बच्चे वाला कार्य सिखाया जाए, नो, 6 means 6। और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम ट्रेनिंग किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का दे रहे हो तो वो एक नेचुरल सेटिंग में हो। जैसे आप कुकिंग सिखा रहे हैं तो आप ड्राइंग हॉल में बैठ के टेबल पे उसको कुकिंग सिखा रहे, नहीं, प्रॉपर उसको किचन में रखिए स्टोव जहाँ सारी सामग्री उपलब्ध है, यानी उनको नेचुरल और सिचुएशनल अप्रोच अपनाना पड़ेगा आपको। सेटिंग मस्ट बी नेचुरल, ओके, और सिचुएशनल यानी उस सिचुएशन में है तो किस प्रकार से आपको एक्टिविटी करना है। सपोज आप मोबिलिटी, उनको थोड़ा बहुत मोबिलिटी करना, आप इधर से उधर चलना सिखा रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर वो जगह रहे नहीं कि आप मुंह से बोलते जाए उठते हैं फिर ऐसे मूव करते हैं, नहीं, या सब्जी काटनी है तो हाथ में आलू पकड़ेंगे फिर आप हाथ से प्लेट में रखोगे या चॉपर पे रखोगे फिर कट करोगे, नहीं, आप उसको करवाइए, बोलिए, प्लस फिजिकल भी करना जरूरी है उस चीज को, ठीक है। और जब भी हम एडीएल की ट्रेनिंग दें तो ये हमारा एक इंटीग्रल पार्ट हो सब्जेक्ट से। कई बार ऐसा होता है जैसे आप साइंस मैथ्स कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी आती हैं जो हमारे एडीएल से रिलेटेड है, तो उसको हम अलग से ना पढ़ाने की बजाय उसको एक इंटीग्रल पार्ट मान करके पढ़ाएं। और जब कभी भी विद्यार्थी, जो आजकल तो समावेशित शिक्षा का चलन चल रहा है, यानी एक दिव्यांग व्यक्ति भी सामान्य विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में या कॉलेजेस में पढ़ रहा है, तो कोशिश करिए कि वो अपने जो फ्रेंड्स हैं या जो उनके क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ वो समय बिताए और इनफॉर्मल वे में कई सारी चीजें वो उनसे इंटरेक्ट करके सीखे। यानी हमें उन्हें सेग्रीगेट नहीं करना है, उनके साथ इंटरेक्ट करा करके इनफॉर्मली वे में कई सारी चीजें बच्चा कई बार सीखते भी हैं। और ओरिएंटेशन शुड बी गिवन टू पेरेंट्स आल्सो एज पर द नीड। अगर आपको लगता है एज ए ट्रेनर
कि मुझे इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ ओरिएंटेशन देना पड़ेगा, कुछ सिखाना है या कुछ चीजें उन्हें बतानी है, तो एज ए ट्रेनर आप इस चीज के लिए तत्पर रहिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज पर इस अवसर पर, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपके द्वारा रखी गई विषय विशेषज्ञता हम सभी के लिए ग्राह्यता और सीखने के पक्ष में शिक्षणात्मक प्रशिक्षणात्मक गतिविधि में अत्यंत ही लाभान्वित की। मैं सभी प्रतिभागियों से आशा करूंगा कि जिनका अगर कोई प्रश्न है, वैसे मैम ने एक एक करके उदाहरणों सहित अपनी विषय विशेषज्ञता हमारे बीच में रखी है, लेकिन अगर किसी को कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मैम के समक्ष रखें। किसी भी प्रतिभागी की कोई अगर जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, लगता है किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न नहीं है, मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा अगर आज के प्रेजेंटेशन से। हाँ, एक मैम प्रश्न आया है मनोज कुमार जी का, देख पा रहे हैं आप? जी बोलिए। मनोज कुमार जी लिख रहे हैं मैम कि बच्चों की ड्रूलिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए। ड्रूलिंग जो आईडी बच्चे मोस्टली करते हैं, जी जी, देखिए एडीएल में हमें इस तरह के जो जो चीजें होती है एक्टिविटीज, जैसे जैसे कोई दृष्टि दिव्यांग बच्चा चलते समय आई पोकिंग करता है, बैठते समय आई पोकिंग करता है, तो इट इज नॉट एन टास्क, या हम कह सकते हैं कि एडीएल के अंतर्गत ये चीज नहीं आती है, बट एज ए टीचर आपको उनको जैसे ड्रूलिंग कर रहा है तो आपको उन्हें मना करना है, या उस चीज की जगह पे आपको दूसरे असिस्टेंट कुछ दीजिए ताकि वो बच्चा उस चीज को ना करे। अब जैसे बोलेंगे कि जैसे मोबिलिटी में आप देखे होंगे कि कई बार जब दिव्यांग बच्चे दृष्टि दिव्यांग चलते हैं तो उनका बॉडी पोस्चर्स डिफरेंट टाइप का होता है, कभी पैर उधर करते हैं, कभी हाथ हिलाते हुए या सर हिलाते हुए चलते हैं, ये सब उनके मैनरिज्म होते हैं। तो जो स्पेशल टीचर होता है या जो उनके थेरेपिस्ट होते हैं वो उससे संबंधित उन चीजों को, जैसे मोबिलिटी सिखा रहे हैं तो उनको बताएंगे कि हाँ आपको प्रॉपर पोस्चर इस प्रकार से रखना है। तो आईडी की केस में जो बच्चे ड्रोलिंग वगैरह करते हैं तो उनके जो थेरेपिस्ट होते हैं खासकर जो ओटी वगैरह के, वो उस चीज पर ध्यान देंगे कि उनको कैसे किस प्रकार से इस चीज को रुकवाना है। इट विल नॉट कम अंडर एडीएल एक्चुअली। अन्य किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न? खाली चालू करो। अन्य किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न आज के संदर्भ में? बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के इस सुअवसर पर हम सभी के बीच आमंत्रण को स्वीकार कर उपस्थित होने एवं सभी प्रतिभागियों के बीच आज व्यवस्थित क्रम में विषय की विशेषज्ञता को हम सभी के बीच रखने, समझाने और सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करने हेतु समस्त सीआरसी परिवार की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी प्रतिभागियों को बता देना चाहूंगा, फीडबैक लिंक आपके चैट बॉक्स में पड़ चुका है, आप कृपया उसे भर लें जिससे आपका सर्टिफिकेशन समय आपको किया जा सके। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के कार्यक्रम में। हेलो सर। हाँ अजय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, नमस्ते सर, नागेश सर से, नागेश सर बोल रहे हैं सर? मैं, हाँ जी जी बोल रहा हूँ सर। जैसे हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं, प्रयागराज से, तो जैसे कोई वीआई का बच्चा है और अभी लर्निंग पीरियड में अभी वो किट जैसे कि ब्रेल स्लेट और अवेकास या जैसे ये सब चीजें उसको परचेज करना है, बात कर रहे हैं जी, ठीक आगे बताइए सर। उसको मतलब परचेज करना है तो प्रयागराज में राजानंद विद्यालय है सर। हाँ। तो सर वहां से बात हुई थी तो बोले कि नहीं मंगा देंगे, मगर 3-4 महीना हो गया, जैसे कि अगर खुद कोई परचेज करना चाहे तो
कैसे परचेज कर सकता है? देखिए दोनों चीजें हैं, आप चाहे तो एडीप के अंतर्गत भी वो आपको प्राप्त हो सकता है जी, और आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको देहरादून संपर्क करना पड़ेगा, NIEPBD देहरादून से, वहां से आपको मिल जाएगा, या कोई और संस्थान है लखनऊ में। सर ये बर्थ जस्ट कारपारी से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं, जस्ट आपको ऑर्डर करना है। अजय जी, जी जी, तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप NIEPBD देहरादून देख लें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद की कड़ी में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के कार्यक्रम के पेट्रॉन्स आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम, निदेशिका PDU NIEPBD न्यू दिल्ली का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ का। इस कड़ी में श्री राजीव रंजन सर, श्री विकास मिश्र सर, पंकज आर्या मैम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने आज के कार्यक्रम को विधिवत हम सभी के बीच में आयोजित किया और विधिवत उसका प्रस्तुतिकरण हम सभी के बीच में अवरोधी रहित रहा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने अपने जुड़ाव को हम सभी के बीच में विधि पूर्वक भाव में रखा, और पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता रखने हैं तो हमसे जुड़ी आदरणीय श्रीमती पूजा मैम का, जिनके ज्ञानवर्धन भाव से हम सभी लोग आज परिचित हुए और सीखने के क्रम को लेकर के आगे बढ़ते हुए दैनंदिन क्रियाओं को संपन्न करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रेरित हुए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर धन्यवाद जुड़ने हेतु, और आगामी ऑनलाइन ऑफलाइन